भाभी मुझे बड़ा दुख हुआ कल की घटना से। तुम स्कूटर से नीचे पड़ी और मैं तुम्हारे ऊपर पड़ा रहा। अरे देवर, मुझे तुम्हारे ऊपर पड़े रहने से कोई फर्क नहीं पड़ा। तो लेकिन जमीन में जो कंकड़ पड़े थे ना, वो मेरी पीठ में चुभ गए। उससे बड़ी तकलीफ हो गई, पूरी पीठ छिली पड़ी है। अरे कोई बात नहीं भाभी, कोई बात नहीं है भाभी, मैं दवाई लगा देता हूँ। अपनी खोलना जरा। क्या पीठ? अरे पीठ ढांकी कहाँ रखी है, वो तो उसी दिन से खुली पड़ी है। अच्छा? डॉक्टर ने कहा कपड़े मत पहनना, नहीं तो घाव नहीं सूख पाएगा। अच्छा? कल मेरा आदमी पूछ रहा था ये तेरे पीठ में घाव कैसे हो गए, तो मैंने कहा मरद मच्छर खा गए हैं। मेरा आदमी बोला ये मैंने मच्छरों का तो नाम सुना है, लेकिन ये मरद मच्छर कौन सा है? मैंने उससे कहा मच्छरनी के मरद नहीं होते क्या? क्यों बेवकूफों जैसी बातें करते हो? इस आदमी तो मेरी नाक में दम कर रखी है, जरा भी अकलमंद नहीं है। अरे भाभी कभी हमें आजमा के देखो, हम कैसे अकलमंद हैं? क्या तू अकलमंद है? अरे तू मेरे आदमी से भी ज्यादा अकलमंद है। अगर तू अकलमंद होता तो उस दिन स्कूटर से मेरे ऊपर गिरा तो उड़ता नहीं, भले ही भगवान तुझे उठा देता। बड़ा अकलमंद बनता है। क्या कह रही भाभी, तुम स्कूटर से तुम्हारे ऊपर गिरा तो उठता नहीं, चाहे भगवान खा लेता। अरे भाभी क्यों ऐसी बातें कर रही हो, अभी तुम मेरी अकल को आजमा के तो देखो। अच्छा ठीक है, मैं तुझसे एक सवाल पूछती हूँ। अच्छा? अगर तू उसका ठीक ठीक जवाब दे देगा तो मैं समझ लूंगी तू अकलमंद है। अच्छा तो पूछ ले भाभी। तो बता ऐसी कौन सी चीज है जिसका नाम एक है और स्थान अलग अलग है? भाभी बताऊं? बता बताऊं? बता। तो भाभी बताऊं? बताना। बाल। वो कैसे? अरे वो कैसे, सुन ले भाभी मैं बता रहा हूँ। बाल कैसे कि सिर का बाल। अच्छा? भौंह का बाल। अच्छा अच्छा। मूंछ का बाल। आगे बता। दाढ़ी का बाल। आगे बता। बगल का बाल। और छाती का बाल। बस 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 बस, तू रहने दे, मैं समझ गई तू बड़ा होशियार है। समझ गई ना? हाँ समझ गई तू बड़ा होशियार। अच्छा? और देवर बता तू क्या क्या कर लेता है? अरे भाभी मैं बड़ा पक्के निशानेबाज हूँ। अच्छा? हाँ, दूर दूर तक गांव में मेरे मुकाबले का कोई फायरिंग करने वाला नहीं है। मैं कोई मेरे मुकाबले तमंचे से निशाना नहीं लगा सकता। मगर मुझे तो तू अनाड़ी लगता है। क्या मैं अनाड़ी और तू खिलाड़ी? हाँ। अरे जरा मुझे बताओ तो सही, तुम कैसे खिलाड़ी हो और मैं कैसे अनाड़ी हूँ? चल सुन ले। सुनाओ जरा। संभाल के देवल फायरिंग करते हैं, तमंचे में दो दो गोली डाल के हजिया धक धक करते हैं, मारे ना निशाना ये संभाल के। अच्छा मैं निशाना संभाल के नहीं लगा सकता हूँ? अच्छा अगली बार देख भाभी, तुझे तो मैं बहुत पहले से देख रही हूँ। अच्छा एक बार और देखो ना। अच्छा देखती रह जाऊंगी। देवर मेरा बड़ा अनाड़ी, मैं हूँ चतुर खिलाड़ी, बनता है ये बड़ा शिकारी, चिड़िया तक ना मारी जो बन ना डटते हैं, मारे ना निशाना ये संभाल के हजिया थक थक करते हैं, मारे ना निशाना ये संभाल के। हो देवर फायरिंग करते हैं, तमंचे में दो दो गोली डाल के। वाह मेरी भाभी, मैंने चिड़िया तक नहीं मारी। अरे तू मुझसे हुक्म तो कर, मैं तेरी यही चीज मारूं। अरे जा जा, शेर नहीं मारूं, अरे मारूं। जवानी दिल पे धक्का लगाते हैं, मारे ना निशाना ये संभाल के।
के होए दिल पे धक्का लगती है मारे जब निशाना ये संभाल के देव फायरिंग करती है तमंचे में दो दो गोली डाल के। अच्छा भाभी बड़ी तकलीफ हो रही होगी। तकलीफ? अब तुझे मैं अपनी तकलीफ क्या क्या बताऊं देवर? एक आप तो बता दो भाभी। अच्छा? शायद मैं तुम्हारे काम आ सकूं। तू तो मेरे पे बोझ और बन गया। क्या बोझ? अरे यूं तो रोज बना रहूंगा। बीती किसे सुना मरे शर्म की मारी झुलस गए जो बन के जलवे काया हो गई कारी पानी आंखों से झड़कते हैं मारे जब निशाना ये उछाल के होए पानी आंखों से झड़कते हैं मारे जब निशाना ये उछाल के जिया धक धक करते हैं मारे ना निशाना ये संभाल के हो देवल फायरिंग करते हैं तमंचे में दो दो गोली डाल के जिया धक धक करते हैं।